हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल बलजीत। दोस्तों, अगर आपने हाल ही में अमेजोन पे ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड रिसीव किया है और उसका पिन जनरेट करने में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आपने एक सही वीडियो को सिलेक्ट किया है। आज हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हैं, कैसे आप आई मोबाइल में आप लॉगिन हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप पिन नहीं जनरेट कर पाएंगे तो आप आई मोबाइल में लॉगिन नहीं हो पाएंगे। तो आइए स्टेप को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड का पिन जनरेट करने के लिए आपको गूगल पे ICICI बैंक सर्च करना है। उसके बाद आपको एक लिंक मिलेगा, ओके, तो उस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का टेम्पलेट शो होगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके राइट के लेफ्ट सबसे कॉर्नर पे टॉप पे राइट में लॉगिन का ऑप्शन होगा, उस लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, पर्सनल, कॉर्पोरेट बैंकिंग, NRI बैंकिंग, मनी इंडिया, मनी टू वर्ल्ड, ओके। तो आपको क्या करना है कि पर्सनल पे क्लिक करना है। पर्सनल फॉरवर्ड की डायरेक्शन पे दिया हुआ, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है, ओके। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि ICICI बैंक लिखा होगा और यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा। लेकिन अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आपके पास यूजर आईडी नहीं होगी, तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी यूजर आईडी बनाना है। यूजर आईडी बनाने के लिए आपने देखा होगा, जब आपका ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड अमेजोन पे से आया होगा तब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आया होगा, या हो सकता है आपने ध्यान ना दिया हो, तो आप अपनी एक यूजर आईडी क्रिएट करेंगे। तो आपको यहाँ लॉगिन वाले यानी कि यूजर आईडी और पासवर्ड पे नहीं जाना है, आपको क्लिक करना है यहाँ पे नीचे फॉरगोट यूजर आईडी और पासवर्ड पे, ओके। तो आपको फॉरगोट वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे आप फॉरगोट वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके पास गेट यूजर आईडी और गेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, ओके। फिर आपको करना है कि गेट यूजर आईडी पे क्लिक करना है। गेट यूजर आईडी पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे, बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो हमारे पास है क्रेडिट कार्ड, क्योंकि हमारे पास नहीं है बैंक अकाउंट, ओके। हम क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेंगे, ओके। जैसे हम क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का नंबर डालने के लिए ऑप्शन आएगा, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद क्या करना है कि आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का नंबर अपना फिल करना है। जैसे आप अपना नंबर फिल करने के बाद नीचे है इंटर योर मोबाइल नंबर, फिर आपको करना है कि मोबाइल नंबर अपना इंटर करना है, जो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो इसमें इंटर करना है, ओके। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो कंग्रेचुलेशन का एक आपको टेम्पलेट शो होगा और योर इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी हैज बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपकी यूजर आईडी आ चुकी होगी, ओके। तो फिर आपको यहाँ पे देखेंगे कि नीचे आपके पास दो ऑप्शन और आएंगे, फिर उसी के नीचे लॉगिन नाउ और गेट पासवर्ड। तभी आपको लॉगिन नाउ पे क्लिक नहीं करना है, आपको करना है गेट पासवर्ड पे, ओके। गेट पासवर्ड पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी यूजर आईडी को फिल करेंगे। यूजर आईडी जो भी आपकी आई है वो आप इसमें डालेंगे, ओके फ्रेंड्स। जो आपको मैसेज से अभी रिसीव हुई है वो यूजर आईडी आप यहाँ पे फिल कर देंगे और यहाँ पे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फिर रजिस्टर्ड नंबर मांगेगा। रजिस्टर्ड नंबर फिल करने के बाद आपको फिर से प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको फिल करना है। OTP डालने के बाद फिर आपको पासवर्ड डालने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, इंटर न्यू पासवर्ड और कन्फर्म न्यू पासवर्ड, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, ओके फ्रेंड्स। फिर हम यहाँ पे अपना पासवर्ड बना लेंगे।
ध्यान रखिए कि दोनों जगह पे आप सेम पासवर्ड बनाएंगे और यहाँ पर कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, न्यूमेरिकल वैल्यू और स्पेशल करेक्टर का यूज करेंगे। ओके, उसके बाद आपको पासवर्ड बनाने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो पासवर्ड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हम यहाँ पे पासवर्ड बना लेते हैं। आपके यहाँ पे जो पासवर्ड है वो आपका जनरेट हो जाएगा। पासवर्ड जनरेट करने के बाद आपको क्या करना है कि फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन नाउ का आपको ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन नाउ पे क्लिक करेंगे तो फिर आपका जो फर्स्ट पेज जो आपका था वहाँ पे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, फिर आपको क्या करना है कि अपनी यूजर आईडी यहाँ पे फिल करनी है। यूजर आईडी फिल करने के बाद आपने जो पासवर्ड बनाया है वो आपको फिल करना है। ओके, यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो ICICI बैंक की नेट बैंकिंग यहाँ पे आपकी लॉगिन हो जाएगी। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लॉगिन हो चुकी है। ओके, लॉगिन होने के बाद आप देखेंगे कि आपके पेज पे अकाउंट्स, फेवरेट्स, फंड ट्रांसफ़र, क्रेडिट कार्ड्स, बिल पे, रिचार्ज, शेड्यूल ट्रांजेक्शन, अप्लाई नाउ, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। आपको जाना है कार्ड सर्विसेज पे। ओके, कार्ड सर्विसेज पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप कार्ड सर्विस पे क्लिक करेंगे तो आपका जनरेट क्रेडिट कार्ड पिन होगा यहाँ पे, जनरेट डेबिट कार्ड पिन या ब्लॉक करने के लिए, और यहाँ पे सबसे लास्ट में होगा जनरेट क्रेडिट कार्ड पिन। जनरेट क्रेडिट कार्ड पिन पे आपको क्लिक करना है। जनरेट क्रेडिट कार्ड पे पिन करेंगे तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसका आपको यहाँ पे नंबर शो होगा। अगर आपके पास मल्टीपल कार्ड हैं तो यहाँ पे आपके आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ओके, लेकिन अगर आप इसी के लिए आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपना नंबर जो है वो देखेंगे शो करेगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपना CVV नंबर डालेंगे। CVV नंबर डालने के बाद CVV नंबर यहाँ पे फिल करने के बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे इस प्रकार का ऑप्शन आएगा और प्रोसीड करके आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे OTP डालनी है। ओके, OTP डालेंगे जैसे ही आप, OTP डालने के बाद यहाँ पे OTP फिल कर देंगे। ठीक है, OTP डालने के बाद आपको करना है कि सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका क्रेडिट कार्ड पिन और कंफर्म क्रेडिट कार्ड पिन आपको बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर आपको क्या करना है कि क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे अपना जो भी आप क्रेडिट कार्ड का पिन बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। फिर हम यहाँ पे अपना कंफर्म कर लेंगे और प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का पिन है वो है जनरेटेड सक्सेसफुली का आपको एक मैसेज आ जाएगा और वो आपका क्रेडिट कार्ड का पिन जनरेट हो चुका होगा। तो दोस्तों ये था अमेजोन पे ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड का पिन जनरेट करने का प्रोसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।